एक और 11 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए कहा है। बाबत सरकार ने मुंबई पुलिस को लेटर भी भेजा। मुंबई पुलिस ये तय कर रही है कि जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करे या एंटी नारकोटिक सेल। आपको बता दें कि शेखर सुमन के बेटे अध्ययन ने एक इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने की बात की थी, तो मुंबई पुलिस अब इसको लेकर एक्टिव। लेकिन अभी तय ये करना है कि मुंबई पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर नारकोटिक्स को, नारकोटिक सेल को ये केस सौंपा जाए। दिव्येश हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, इस लेटर में क्या लिखा गया है ये आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अध्ययन सुमन ने कहा है कि उन्हें इस विवाद में न घसीटा जाए। शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी, उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, इस लेटर में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लिखा गया है, और साथ ही एनसीबी इस मामले की जांच करेगी या फिर मुंबई पुलिस? जी, लेटर में तो जो विधानसभा में निवेदन दिया गया था, जैसे होम मिनिस्टर साहब अनिल देशमुख ने बताया था कि एक निवेदन आया था जिसमें अध्ययन सुमन के एक 2016 के इंटरव्यूज को साइट करते हुए ये कहा गया था कि कंगना रनौत की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कंगना रनौत कोकेन लेती थी, और उनको भी, अध्ययन सुमन को भी उन्होंने कहा था ड्रग्स लेने के लिए, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज ही मुंबई पुलिस को ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, इस मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एनसीबी इस मामले की जांच नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जांच मुंबई पुलिस को दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसकी जो अपील है वो महाराष्ट्र सरकार को आई, और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एजेंसी मुंबई पुलिस को ये पत्र दिया है जिसके तहत मुंबई पुलिस आगे की जांच करेगी। अभी तक मुंबई पुलिस को ये तय करना बाकी है कि इस जांच के लिए वो क्राइम ब्रांच की टीम बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करते हैं, या एंटी नारकोटिक सेल जो मुंबई पुलिस में है उनको कहते हैं इस बारे में पूरी जांच करने के लिए। बहरहाल जी, शुक्रिया दिवेश, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।